हेलो जी, मेरा सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देख रहे हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में नोएडा सूरजपुर के यामाहा कंपनी के ठीक सामने हूं और आज हम लोगों से बातचीत करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लोग अपने ड्यूटी पर जा रहे हैं यामाहा की कंपनी में, है ना। यामाहा में काम करने वाले ये सब हमारे भाई हैं और यामाहा का डेली प्लान रखे हैं, तो इन भैया से थोड़ी सी बातचीत करें। क्या क्या कह रहे हो भैया? हाँ हाँ भाई, थोड़ा सा भैया से बातचीत करते। क्या नाम है भैया? एक मिनट बात कर लो। क्या नाम है भैया? इंद्रशेखर तिवारी। कहाँ रहने वाले हो साहब? सुल्तानपुर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ कंपनी में? ना ना, कोई दिक्कत। बढ़िया काम कर रहे हो ना? हाँ एकदम। क्या नाम बड़े भैया? यादव। कहाँ रहने वाले बड़े भैया? आगरा। रहने कंपनी यामाहा कंपनी में काम करते हो? कितने महीने से काम कर रहे हो भैया? 4 महीने। कितनी उठ जाती है सैलरी? कितनी उठ जाती है सैलरी? 15-16 हज़ार। कोई दिक्कत नहीं है ना भैया? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है भैया, बातचीत करके काफी अच्छा लगा और इन भैया से भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। काफी अच्छा लग रहा है यामाहा का पहन रखे हैं। हाँ, क्या नाम बड़े भैया आपका? माय नेम इज शमसुद्दीन। अरे बाबा, नाम लगा बहुत बढ़िया। अच्छा, कहाँ रहने वाले भैया? आई एम फ्रॉम यूपी इंडस्ट्री कमरोहा। अच्छा, कहाँ कितने महीने से काम कर रहे हो भाई यहाँ पे? टू इयर्स। कितना महीने में सैलरी उठ जाता है? 13,500 उठ जाता है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना कमरे? अच्छा चलिए, बहुत अच्छा। यूट्यूब चैनल हमारा इसरार टू जेड के नाम से है। क्या नाम बड़े भैया आपका? बोल तो दिया। अच्छा बोल दिया आपने। अच्छा, इन भैया से थोड़ी बातचीत कर लेते। क्या नाम भाई आपका? कहाँ रहने वाले बड़े भैया? एटा यूपी के। तो यहाँ यामाहा में कितने महीने से काम कर रहे हो भैया? 3 महीने। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना कंपनी में? कितना उड़ जाता है सैलरी? वही 14,500 उड़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा ठीक है बड़े भाई। इसरार ए टू जेड के नाम से बड़े भाई इस बार। हाँ, इसरार ए टू जेड आप सभी लोग दिखाई देंगे मालिक, बस आप लोग के लिए काम करते हैं हजरत। हमारा इसरार नाम है और इसरार ए टू जेड के इसरार ए टू जेड। तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, सभी हमारे भाई काम करने वाले हमारे सभी भाई अभी पैदल नाजुक नाजुक कदमों से आते जा रहे हैं कंपनी की तरफ और हम भैया सभी भैया से हम बातचीत करेंगे। हमारा चैनल है इसरार ए टू जेड के नाम से, हम सर्वे करते हैं और उसके बाद लोगों से बातचीत करते हैं, है ना। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा अशोक सुनार। कहाँ रहने वाले भैया? मैं झारखंड से हूँ। अच्छा, झारखंड बिहार से रहने वाले। अच्छा, तो कितने महीने से काम कर रहे हो आप? मैं तो लगभग 17 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे यामाहा में। अच्छा, तब तो सैलरी भी अच्छी खासी होगी आपकी। हाँ, सैलरी वही सबका एक ही रहता है। अच्छा, एक ही रहता है। अच्छा, तो अभी क्या वैकेंसी चल रही है इसमें? ना, वैकेंसी तो अभी नहीं चल रही है। अच्छा, तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है ना? ना ना, कोई दिक्कत नहीं है। कैंटीन बस की सुविधा है? सब है, सारी सुविधा है। अच्छा, खाना एक टाइम देता है दोपहर में? ना, जब तक ड्यूटी आवर में खाना हर समय मिलता है। ड्यूटी आवर में हर समय मिलता है? हाँ, चाय नाश्ता खाना सब। अच्छा चलिए भैया, बातचीत तो काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे कि हमारे सभी भाई आ रहे हैं यहाँ पे और अभी लोगों से हम बातचीत कर, कंपनी की बात करें तो यामाहा कंपनी है ठीक, यामाहा कंपनी के हम ठीक पीछे ही हैं। उसका मेन गेट उधर रहा, गेट नंबर 1, और गेट नंबर उधर उस साइड है। तो अभी हम लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं वैकेंसी को लेकर, है ना। जैसे कि हमारे भाई कुछ आ रहे हैं यहाँ पे और उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है बड़े भैया आपका? राहुल सिंह नाम है भैया। कहाँ रहने वाले बड़े भाई? मथुरा रहने वाले। अच्छा, यामाहा में कब से काम करे बड़े भाई? 11 साल हो गए, है ना। तो अभी क्या बनाती है यामाहा? बाइक बनाती है। वही बाइक बनाती है कंपनी? कोई दिक्कत? भैया बात करते काफ़ी अच्छा लगा और ये सभी हमारे भाई जा रहे हैं, ड्रेस पहने हुए हैं। क्या नाम है बड़े भैया आपका? क्या नाम बड़े भैया? कहाँ रहने वाले भाई? हरियाणा से। अच्छा, कब से यामाहा में काम कर रहे हैं? यामाहा में हो गए 10 महीने। 10 महीने अप्रेंटिस। कितना उड़ जाता महीने का? महीने का 10-10 300 अप्रेंटिस हो ना, अप्रेंटिस में। अच्छा, कैंटीन वैंटीन की सुविधा है? हाँ सुविधा है। कोई दिक्कत नहीं है ना कंपनी? कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया जो आपने भर दिया? आधार कार्ड, पैन कार्ड और आईटीआई और 10। चलिए भैया, बातचीत करके अच्छा लगा। हमारा चैनल आप देखिएगा, सब लोग आएंगे, है ना। तो भैया जी धीरे धीरे नाजुक हो। अभी यामाहा में काम करते हैं क्या? अच्छा, यामाहा में नहीं काम करते ये भैया, तो यामाहा में लग रहे हैं। और जैसे ही झूठ नाजी तो भैया से बातचीत करते हैं। क्या नाम है बड़े भैया आपका? क्या नाम है बड़े भैया? भैया क्या करवा? अरे वो सब बता रहे यार, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है? नितिन। कहाँ रहने वाले भाई? हल्द्वानी। हल्द्वानी। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने महीने से काम कर रहे हैं भैया? एक साल। कोई दिक्कत नहीं है ना? ना, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है भैया, बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे कि लोग आते जाते जा रहे हैं वैसे हम उनसे बातचीत भी करते हैं। जैसे कि मैं दिखा दूँ आपको भाई, मैं अभी यामाहा कंपनी के ठीक सामने हूँ और सारे हमारे भाई जो भी आ रहे हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, है ना। क्या नाम है बड़े भैया आपका? कहाँ रहने वाले हो साहब? अच्छा, तो कब से कर रहे हो यामाहा कंपनी? 2-6 महीने। 6 महीने। कितना उड़ जाता महीने का? क्या महीने की सैलरी कितनी उड़ जाती है? सबका 13,500 मिल जाता। कोई दिक्कत नहीं है ना कंपनी? कैंटीन बस की सुविधा है सब कुछ?
अच्छा ठीक है भैया से बातचीत करें, काफी अच्छा लगा। भैया से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? ब्रिजेश। ब्रिजेश कहाँ के रहने वाले हो साहब? मऊ जिला। अच्छा मऊ के रहने वाले, क्या बात है हमारे तरफ से भैया। अच्छा कब से काम कर रहे हैं? हो गया 8-9 साल। 8-9 साल हो गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए भैया से बातचीत करें, काफी अच्छा लगा। और देख किस तरीके से लोग आ रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ बड़े भाई, ये देख लो आप। अभी इन भैया से थोड़ी बातचीत हम कर लेते हैं। क्या नाम है बड़े भैया आपका? क्या नाम है साहब? पंकज कुमार। कहाँ के रहने वाले हो साहब? बलिया। बलिया जिला के। कब से काम कर रहे हो हम आप? यहाँ पे 1 साल हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना कंपनी में? खाने पीने की सभी सुविधा? कितना उठ जाता महीना सर? यहाँ पे 13-14 उठ जाते, कोई दिक्कत ना है ना बड़े भैया से बातचीत करके अच्छा लगे। क्या नाम बड़े भैया आपका? संजय कुमार। कहाँ रहने वाले हो साहब? बिहार के। अच्छा यहाँ में काम कर रहे हो? जी। कितने महीने से भैया? हो गया 4-5 महीने। कोई दिक्कत नहीं है ना? कितना उठ जाता है सैलरी? 14-15 उठ जाता। कोई दिक्कत, खाने पीने की सुविधा है सर? हाँ, बस की सुविधा है। चलो भैया बातचीत, बस की सुविधा है? नहीं बस सुविधा नहीं। चलिए भैया बातचीत। क्या नाम है भैया? कुमार दुबे। कहाँ रहने वाली है? मैं यूपी का रहने वाला, सुल्तानपुर जिले। सुल्तानपुर के यार हमारे साइड का आजमगढ़ सुल्तानपुर। अच्छा कितने महीने से काम कर रहे हैं भैया? यहाँ हमको 15 महीने से काम कर रहे हैं। 15 महीने सर। कितना सैलरी उठ जाता है? अप्रेंटिस में कटवा 10,000 मिलती थी। अच्छा अप्रेंटिस समय 20-22 हज़ार उठती है। उठती है, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत, खाने पीने की सुविधा है सर? सब सुविधा है। चलो यार भैया बहुत अच्छा लगा भैया बातचीत करके। चैनल है हमारा, चैनल पे आप सभी लोग दिखाई देंगे, है ना? जैसे कि मैं दिखा दूँ, सभी भैया जा रहे हैं यहाँ पे। और अभी मैं पूरे आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ बता दूँ आपको, और आधे घंटे से लोग आते जाते नजर आ रहे हैं। क्या नाम है भैया? सोनू। कहाँ के रहने वाले भैया? पहासू। पहासू। अच्छा कहाँ काम करते बड़े भाई? यामा कंपनी में। कोई दिक्कत ना है ना बड़े भैया? कोई दिक्कत ना है। कितना उड़ जाता महीने का? जी महीने का सैलरी कितनी उड़ जाती है? आ जाती है 14-15 हज़ार। कोई खाने पीने की सुविधा है ना सर? सब एकदम बढ़िया, मस्त है, मस्त चला एकदम। ओके ओके चलो भैया बातचीत करो। क्या नाम है बड़े भाई? प्रवीण। कहाँ रहने वाले हो सर? जेवर। रीवा इधर? जेवर। अच्छा जेवर के रहने, तो यहीं के हो? कितना कब से काम कर? आप लोगों से बातचीत करते हुए हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या नाम है बड़े भैया आपका? हरिवंश वर्मा। कहाँ रहने वाले हो साहब? जौनपुर का रहने वाला। हम बहुत वेटिंग है भाई। अच्छा कहाँ काम कर रहे थे आप? कितना उड़ जाता महीने का? कितना उड़ जाता महीने का? 13.5 उड़ जाता। कोई दिक्कत नहीं है ना? खाने पीने की सुविधा है ना सर? बढ़िया। चलो ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ रहने वाले हो साहब? हाथरस। हाथरस के रहने वाले हो? अच्छा कहाँ काम करते हो? अच्छा क्या बनाते हैं कंपनी? कितने महीने से कर रहे हो? मुझे हो गए 1 साल। कोई दिक्कत नहीं है ना कंपनी? कोई दिक्कत नहीं। कितना उड़ जाता है सैलरी? मेरी अप्रेंटिस हो रही है फिलहाल। अप्रेंटिस कितना था? फिर भी मिल रहा है ना पैसा कुछ? हाँ जी 10,200। चलो अच्छी अप्रेंटिस तो कर रहे बड़े भैया। क्या नाम है साहब आपका? कहाँ रहने वाले हो साहब? फिरोजाबाद। कोई दिक्कत नहीं है ना कंपनी में? कितना उड़ जाता महीने का? 60 महीने। महीने का सैलरी कितना उड़ जाता है? अप्रेंटिस में आप भी हो? चलो भैया से बातचीत करें काफी अच्छा लगा। भैया से बातचीत करें काफी अच्छा लगा, है ना? जैसा मैं आपको दिखा दूँ कंपनी के ठीक सामने, वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है ना, वो जो यहाँ पे ब्लैक कलर की वो पहुंची नहीं है ऑटो, वहीं पे गेट नंबर 1 है। और यहाँ की बात करें तो गेट नंबर 2 यहाँ पे है ना, भर्ती जो होती है वहीं से होती है। अभी वहाँ पे भी हम चलेंगे और वहाँ पे भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भैया हमारे आ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हाँ कमल। अच्छा कहाँ रहने वाले हो? सोनीपत। कोई दिक्कत नहीं है ना कंपनी? चल भैया बहुत जल्दी में साहब। क्या नाम साहब? अरे बता दो यार भैया, ये भी नहीं बात करना चाहते हैं। अभी 100 में से हमें कम से कम 1-2% मिले हैं, ज़्यादा नहीं 1-2% मिले हैं जो बात नहीं करना चाहते, बाकी सभी लोग आराम से बात करके तब निकल। कुछ लोग होते हैं अकड़ होता है ना कुछ लोग, तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए काम कर रहा इतना तो भाई सहेल हूँ। अरे भैया क्या नाम है साहब आपका? सानू नाम है। कहाँ के रहने वाले भैया? मैं यूपी मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मुरादाबाद के रहने वाले? फिर तो अब्दुल्ला पठान को जानते ही होंगे। अब्दुल्ला पठान? हाँ ना, उधर ये मोटा तगड़ा जो है। अच्छा ये यामा में कब से काम कर रहे हैं? यामा में मेरे को 2.5 महीने हो चुके हैं। 2.5 महीने? कितना उड़ जाता महीने सैलरी? महीने की सैलरी पूछ रहे हैं आप? नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ, काम पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने कैंटीन की सुविधा है? हाँ सब कुछ। अगर महीने की बात करें कितना उड़ जाता सैलरी? महीने का उठ जाता है 5-6 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। खर्चा हो जाता है महीने का? कितना उड़ता है सैलरी? सैलरी 15-16 हज़ार। चलो अच्छा भैया बातचीत करके काफी अच्छा। क्या नाम है भैया आपका? रामपाल सिंह। कहाँ रहने वाले हो साहब? मुरादाबाद के। कोई दिक्कत नहीं है ना कंपनी? कोई दिक्कत। खाने पीने सुविधा है सब? कितना उड़ जाता महीने का? महीने उड़ जाता सर 5-6 हज़ार उठ जाता। 5-6 हज़ार उठ जाता है। नहीं सैलरी कितना? 14-15 हज़ार। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है ना बड़े भाई? बस हम आपके लिए काम करते हैं दोस्त, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जो लोग नए आना चाहते हैं ना, अगर उन्हें लगे कि हाँ दिक्कत है फिर तो आएंगे ही नहीं, है ना? क्या नाम बड़े भैया आपका? ओहो क्या बात है भाई, मोछे हो तो रावड़ी राठौड़ जैसे। क्या नाम है आपका? कहाँ रहने वाले भैया? बिजनौर। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? मेरे को 1 महीना हुआ। 1 महीना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना कंपनी में?
खाने पीने की सुविधा सब है। भैया बातचीत काफी अच्छी, सभी लोग यूट्यूब पे दिखाई दोगे ना बड़े भाई, इसरार ए टू जेड के नाम से सर्च कर लो आप। तो दोस्तों अभी मैं आपको गेट नंबर एक पे लेके चलता हूँ और देखता हूँ वहाँ पे भर्ती है कि नहीं। इसरार ए टू जेड। तो ये हमारे भैया, क्या नाम है भाई आपका? पुष्पेंद्र। कहाँ रहने वाले भाई? अलीगढ़। अच्छा, कहाँ काम करते हो? यामा में, यामा प्राइवेट लिमिटेड में। तो अप्रेंटिस में हो कैसे? हाँ जी, आईटीआई करके अप्रेंटिस कर रहे हैं। कितना मिल जाता सर? 10,300। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। खाने पीने की सुविधा है सर? बहुत बढ़िया। चलो अच्छा भैया, बातचीत काफ़ी अच्छा लगा ये देख लो आप। अब मैं आपको गेट के ठीक सामने लेके चलता हूँ, वहाँ से बातचीत करता हूँ आपसे ना। जैसे कि गेट नंबर एक वहाँ पे हमारे सामने, अभी आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ भर्ती वगैरह होगा नहीं होगा। एक है यामा कंपनी का है ना, गेट नंबर एक, और यहीं से भर्तियां होती है। जो भर्तियां होती है ना दोस्तों, यहीं से होती है।